धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भगवात्माओं, कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ये रेण सार ग्रंथ जो हमें एक जीवन को नई दिशा प्रदान कर रहा है, यह शास्त्र के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर अगर हम अपने कदम बढ़ाते हैं, अगर हम उस पथ पर चलते हैं, तो बंधुओं जो हमारी आत्मा अनादि काल से भटक रही थी, जो आज तक हम चार गति 84 लाख योनियों में भटक करके आ गए, लेकिन हे जीव, जरा भी हमको इस जीव ने कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं किया। तो हर संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सभी लोग यह चाहते हैं कि कैसे भी हो मेरे दुखों का नाश हो, भक्त कहते हो ना। ऐसा कोई जीव नहीं जो दुख चाहता हो। एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव भी है, अगर आप उससे पूछेंगे कि हे जीव तुम क्या चाहते हो, तो वह यही कहेगा कि मैं सुख चाहता हूं। सभी लोग यही चाहते हैं कि हे भगवान, जितनी जल्दी हो मेरे दुखों का क्षय हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। वह जब दुख से भयभीत होता है तो वह जाता है देव सास गुरु की शरण पर पहुंचता है। जैसे एक बेटा एक पुत्र को तेजी से बुखार आ जाता है, तो वह सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचता है, बोलता है माँ मेरा बुखार दूर कैसे होगा, मेरा यह रोग सदा के लिए कैसे छूटेगा। तो बंधु जो सदैव पुत्र का हित चाहने वाली जो माता होती है, वह माँ तुरंत अपने बेटे को लेकर के वैद्य के पास जाती है, उस वैद्य के पास जाती है। और वैद्य को जब वैद्य उसकी नाड़ी देखता है, तो वह कहता है कि अरे तुमको तो बुखार बहुत तेज है, लेकिन घबराने की बात नहीं, तुम इन इन चीजों का परहेज करो, इन इन चीजों का सेवन करो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। तो बंधु ऐसे संसार में रहने वाले सभी प्राणी अज्ञानतावश आज हम अपने रोग को नहीं समझ पाते हैं। हम बाहर के रोगों की दवा कराते हैं, लेकिन फिर भी हमको सुख नहीं मिलता है। बंधुओं, देह का रोग ठीक होने पर क्षणिक सुख मिलता है, और कुंद कुंद स्वामी आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर आत्मा के रोग मिट जाए तो अनंत काल तक जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए बंधु, लेकिन हम उस रोग के कारण से, उस रोग की दवा के लिए हम कहीं वैद्य जी को दिखाते हैं, उनका इलाज लेते हैं और रोग दूर हो जाने पर हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन बंधु, यह सुखाभास अभी तुम्हारा रोग गया ही नहीं। इस शरीर पर एक अंगुल में 96 रोग रहते हैं, 96। कितने रोग रहते हैं? एक अंगुल। यह शरीर तो रोगों का खान है, और मान लीजिए आपने इसका इलाज भी करा लिया तो क्षणिक सुख मिल सकता है। इसलिए कुंद कुंद कह रहे कुंद कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं भव्य जीवो, ये तो अज्ञानता बस आज तुमने शरीर के रोगों को देखा, लेकिन
अज्ञानता वश संसार में भटक रही आत्मा अनादिकाल से आज तक तुमने इसके रोग को नहीं पहचाना कि मेरा सही रोग क्या है। ऐसा थोड़ी कि पता चल जाए और इलाज ना करो, नहीं, इलाज को करना पड़ता है। जैसे माँ उस वैद्य के पास लेकर के गई थी और वैद्य ने कहा था इन इन चीजों का परहेज करो, इन इन चीजों का सेवन करो तो तुम्हारा रोग दूर हो सकता है। ऐसे आचार्य महाराज ने कह दिया मिथ्या का त्याग करो, आठ मदों का त्याग करो, सप्त व्यसन का त्याग करो, सप्त भयों का त्याग करो। यही तो कहा था कि इन चीजों का त्याग करो और श्रावक के 77 गुण बताए थे कि अपने सम्यक दर्शन में मजबूत रहो, क्योंकि यही तो नौमी गाथा में आचार्य महाराज समझा रहे थे कि तुमको संसार से मुक्त होना है, तुम परम सुख चाहते हो तो बन जाओ देव सास गुरु के सच्चे भक्त बन जाओ। अगर तुमको उन रोगों से छूटना है तो कहते हैं कि देव सास गुरु के सच्चे भक्त बन जाओ, और कहते हैं कि संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाओ। बस तीन ही बात तो कही थी कि देव सास गुरु के प्रति सच्ची भक्ति, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और रैणत्तम संयुक्ता और रत्नत्रय से संयुक्त हो जाओ। इतना ही तो कहा था, बस इतना तुम्हें मिल गया तो तुम संसार में कभी भटक नहीं पाओगे। क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर उससे कहता है तुमको डायबिटीज है, तुमको क्या है डायबिटीज, तुमको शुगर की बीमारी हो गई है, तुमको ऐसा करो कि तुम अब मिष्ठान खाना बंद कर दो, मीठी चीज खाना बंद कर दो तो तुम्हारा कंट्रोल रहेगा और तुम स्वस्थ हो जाओगे। और अगर आपने परहेज नहीं किया तो आपकी शुगर और बढ़ सकती है, आपको और आगे प्रॉब्लम आ सकती है। बंधुओं, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो स्वस्थ होना चाहता है, वह डॉक्टर की और डॉक्टर की वाणी पर विश्वास करेगा। अगर वह विश्वास करेगा तभी वह स्वस्थ हो सकता है। अच्छा बताओ, आपने लौकिक में देखा होगा जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास है उसी की दवा आपको फायदा करती है, करती ना? वो जिस डॉक्टर की दवा पर वाणी पर विश्वास नहीं है, कितने भी ऊंचे डॉक्टर को दिखा लो, अगर आपको जरा सा भी संदेह है, जरा भी शंका है तो आपका रोग दूर नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुमको उस डॉक्टर की वाणी पर विश्वास होगा कि डॉक्टर ने जो कहा है सही कहा है और मैं इसका मैं मिष्ठान नहीं खाऊंगा तो मैं अपने रोग को शमन कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रहने तो दो, डॉक्टरों का तो काम ही है पैसा ऐंठना और बता देना, और फिर भी वह मिष्ठान आदि नहीं छोड़ता है, फिर भी वह खाता जाता है तो बंधु उसको और रोगों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे ही भवात्मा हमारे देव शास्त्र गुरु बताते हैं कि इन शरीर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाओ। यही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चर्य से सहित हो जाओ तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव ऐसे कह देते, अरे महाराज का तो काम ही है बताना, वो संसार में छोड़ आए हैं तो वे सोच रहे हैं कि हम भी छोड़ दें। नहीं बंधु, वह तुमको छुड़ाने के लिए नहीं,
भर तो तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका बड़ा वात्सल है, तभी तो आपके लिए इतना एक घंटा आपके लिए दे रहे हैं, आपके हित के बारे में सोच रहे हैं कि आप तो अज्ञानी हो। चलो कुछ तो उपदेश दें, 1000 लोग बैठे हैं तो कम से कम 10 लोगों को भी समझ में आएगा, कम से उस संसार से बचाने के लिए। तुम्हारे लिए कोई सुख सुविधा छुड़ाने के लिए नहीं, तुम्हारी अज्ञानता को मिटाने के लिए गुरु तुमको उपदेश देते हैं। इतने बड़े आचार्य हो गए, वो तुमको आधे उपदेश दे रहे हैं कि बेटा इस तरह से परहेज करो, ये जिसको तुम सुख मान रहे हो यह सुख नहीं है। तुमने गृहस्थी को पकड़ रखा है, गृहस्थी ने तुमको नहीं पकड़ा, तुम इसमें सुखी नहीं। इसीलिए तो पंडित दौलत राम जी को अपनी 6 ढाला कृति में कहना पड़ा कि कहे सीख गुरु करुणाधार, कि कहे सीख गुरु करुणाधार, कि गुरु बड़े बड़े करुणा होकर के तुम्हारे ऊपर करुणा बरसा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे जीव जागो, जब जागो तभी सवेरा, कम से कम उठ तो जाओ, उस अपने सार को समझो। इस मनुष्य पर्याय का जो सार है उसको तुम्हें सार्थक करने के लिए गुरु उपदेश दे रहे हैं तुमको। गुरु ऐसे नहीं, अरे वे तो कहते ही रहते हैं, उनका काम क्या है उपदेश देना। आ गए घर बार छोड़ करके, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहा करते, मैं यहाँ गुवाहाटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो संसार की बात कर रही हूँ, और संसार में गुवाहाटी भी संसार ही में है, मुक्त में नहीं है। आज ये वस्तु आ गई, बंधु तुरंत साधु संत कहते हैं कि हे मन, तुम मीठे पर जा रहे हो गुलाब जामुन पर, आज तुम्हारा मन गया ना, आज तुम्हारा मन गुलाब जामुन खाने को करता है ना, लो आज मीठे का ही त्याग, अब खाओ क्या खाओगे। गुलाब जामुन का त्याग नहीं कर रहे, मीठे का ही त्याग कर दिया, आज नमकीन खाने का मन कर रहा है, आज संकल्प लेके कर गए, थोड़ा सा मन में विचार आया, क्योंकि तुम भी पंचम काल के हो, हम भी पंचम काल के, हम चतुर्थ काल के तो है नहीं। जैसा तुम्हारा अन्न खाते हैं वैसा साधुओं का मन होता है, कहते जैसा खाओ अन्न जैसा हो मन, और जैसे पियो पानी वैसे बोलो वाणी। तो कहते हैं मन करता है आज नमकीन खाने का मन, लो हे मन तुम नमकीन पर जा रहे हैं, लो आज 6 रस का त्याग, खाओ सूखा। वह मन कहता है नहीं भैया, मीठे पर मन करेगा पूरा मीठा, पूरा गुलाब जामुन पर मन जाएगा और पूरे मीठे का त्याग मन हो जाएगा। मन नमकीन पर जाएगा, खाओ उबली सब्जी, ना घी मिलना ना नमक मिलना ना दूध मिलना ना मीठा मिलना, क्यों गए थे। इसलिए मन मन कहता है नहीं, हमको नहीं। इसको युक्ति से मन को ऐसे तृप्त किया जाता है, आप खा खा करके भी आप बैठ नहीं पाते, और साधु बिना खाए हुए भी बैठा रहता है। कहते हैं संसार में खा के मरने वालों की संख्या बहुत है, बिना खाए मरने वालों की संख्या बहुत सीमित है। तो इन भोगों को खाकर, भोगों को भोग करके तो आप अपना ही रोग बढ़ाते हो, तो उस रोगों को समन करने के लिए आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। कहते हैं विषय भोग को बढ़ाने वाली है जो हमारी, कहते हैं रोग है जो हमारे बढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं कि हम मन हमारा तृप्त नहीं हो पाता है। तो अब हम, वह व्यक्ति पहुंचता है गुरु के पास, पहुंचता है क्या कहता है, कहते हैं कि क्या रत्नात्रय से अब प्रश्न करते हैं कि जो रत्नात्रय से सहित हैं क्या उनको मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी क्या। अच्छा प्रश्न किया कुंद कुंद स्वामी, कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है जिसने रत्नात्रय को धारण कर लिया, तो क्या वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा क्या।
उसके लिए दसवीं गाथा में आचार्य महाराज बतलाते हैं क्या कहते हैं, तो देखेंगे। दानम पूया शीलम, अच्छे से पढ़ो जोर से, दानम पूया शीलम उवासम बहुवियम पीखवर्णम्पी। दानं पूयाशीलं उवासं बहुविहणं पिखं खवणम्पि। पूजा कह दो या पूया कह दो, एक ही चीज है। अभी पूया बोलना पड़ेगा, बाद में पूजा निकलेगा उसमें। सम्यजुदं मुख सुहम सम विड़ा दी है संसारम, दानं पूयाशीलम उवासं बहुविहं पिखवर्णम्पि। सम्यजुदं मुख सुहम सम विणादी है संसारे। चलो एक बार हम पूरी पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ो। दानं पूयाशीलं उवासं बहुविहं पिखवर्णम्पि। सम्यजुदं मोक्ष सुहं सम विणादी है संसारम्।